नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। ये बार बार डकारे मारेगा क्योंकि इसको डकार आई थी अभी थोड़ी देर पहले। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, कल स्कूल की आ रही थी, पेट में दर्द हो रहा था इसके, उसको दवाई दिलवाई गई है, दवाई खाना चाहता नहीं है और अभी खाना खाने में उसको दर्द हो रहा था पेट में और मोमोज खा लिए। अब डकार मार मार के दिखाएगा, एक मोमोज खाया, दो मोमोज खाए, बोला तीन खाऊंगा तीन, अब तीसरा खाया नहीं गया क्योंकि खाना खाया ना इसने, मैं गलत टाइम पर ले आया मोमोज आज। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरा टॉपिक आज का एक बड़ा बढ़िया सा है, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, अचरज भरा है और चमत्कार जैसा है। तो आप जानते ही हैं कि देश विदेश पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनको वैज्ञानिक डॉक्टर या जो भी उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है वो सॉल्व नहीं कर पाता है, कई अनसोल्व मिस्ट्री पड़ी हुई हैं। ऐसा ही एक मिस्टीरियस प्लेस है हमारे भारत में भी, हमारे भारत में बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से एक मिस्टीरियस प्लेस है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये है गांव, छोटा सा गांव जिसका नाम है कोंडनी, कोंडनी है या कोंडनी है जो भी है वो गांव का नाम है। ये केरल में पड़ता है, मल्लापुरम जिले में, साउथ कैलिकट में, लगभग 35 किलोमीटर दूर। तो इस गाँव की ये खासियत है कि इस गाँव में कैंची से चोट मारने चक्कर में। तो उस गांव की खासियत है, पहले तो इस गांव की जो मिस्ट्री है उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अब इस गांव की खासियत ये कि इसमें जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो 90% जुड़वा पैदा होते हैं और 90 से ऊपर ही रेशियो है जुड़वा पैदा होते हैं। इसमें लगभग छोटा सा गाँव है, अब तक 200 पेयर जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं और दो सेट जो हैं दो सेट ट्रिपलेट के पैदा हो चुके हैं। मतलब दो घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो तीन तीन बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, मतलब जुड़वा और त्रिड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, सिंगल बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इस गांव की औरतों की शादी दूसरे गांव में भी की गई तो उनके जुड़वा तो नहीं होते लेकिन उनके फिर लाइन लगा के बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे काफ़ी सारे पैदा होते हैं। तो अब जब डॉक्टर और साइंटिस्ट इस गाँव में रिसर्च करने के लिए पहुँचे तो उनको कुछ नहीं मिला, तो डॉक्टरों ने बाद में हार मान के ये बोल दिया कि इस गांव में जो पानी है उसी में कोई ऐसी चीज़ है बह रही है या ऐसी चीज़ है जिसको पीने से माएँ जो है वो जुड़वा बच्चे पैदा करती हैं। आदमी और औरत दोनों में कुछ ऐसे जीवाणु विषाणु कीटाणु जाते हैं, मतलब जो भी इनमें से सही शब्द हो वो जाते हैं और बाद में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी मुझे आज मिली तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ में शेयर करूं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को, उससे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि जानकारी कैसी लगी, और जो घंटे वाला बटन है उसको ऑल पे कर देना जिससे आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपडेट मिलता रहे। हाँ, और ये कुछ बोलेगा भी, जो घंटी लेने जा रहा है घंटी बजाएगा, अरे हाँ ये घंटी वाला बटन जरूर दबा देना और टन से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और क्या है, नई नई वीडियो के अपडेट आपके पास आते रहेंगे, बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ मैं आगे चल के। तो हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। कोंडनी गांव केरला में है, मल्लापुरम जिले में, कैलिकट साउथ में, 35 किलोमीटर दूर, जिसमें 200 पेयर बच्चे जुड़वा अब तक पैदा हो चुके हैं और 2 पेयर बच्चे ट्रिपलेट पैदा हो चुके हैं, मतलब त्रिड़वा बच्चे। तो ये बहुत आश्चर्यजनक कहानी है कि उसी गांव में ऐसा क्या है, पूरे केरल में नहीं है कुछ ऐसा, मल्लापुरम जिले में ऐसा कुछ नहीं है, वो उस गांव में क्या है। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी जो थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करनी थी तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए। अब जानकारी का आपको क्या करना है वो आप सोचो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हो, बाय 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 बाय।